24-25 साल की एक लड़की की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो जाती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ट्रेन जो है तेज रफ्तार होती है और किस तरीके से एक लड़की को लोको पायलट ट्रेन की पटरी पर लेटा हुआ पाता, किस तरीके से ट्रेन की चपेट में आ जाती है। यहाँ से कुछ दूरी पर वो बस्ती बताई जा रही है, करनाल शिव कॉलोनी के नज़दीक डेहा बस्ती लगती है, जहाँ की लड़की रहने वाली थी और घर से पानीपत जाने के लिए, स्टेशन आने के लिए निकलती है, तभी ये हादसा हो जाता है। तमाम परिवार के लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुँचे हुए, एक छोटा बच्चा भी बताया जा रहा है। हादसा इतना भयानक होता है कि फिलहाल आनन फानन में जल्द से जल्द जो है बॉडी को यहाँ से करनाल के पोस्टमार्टम हाउस में भेजा जाता है और पुलिस जो है आगे की कार्रवाई ज़रूर कर रही है, GRP पुलिस। और फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम महिलाएं रोती हुई जरूर नजर आ रही हैं। बस्ती बिल्कुल जो है नजदीक बताई जा रही है और आइयो पुलिस बलवान जी मौके पर हैं, उनसे हम बातचीत कर लेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे ये हादसा हुआ और क्या कुछ क्या। 12400 में सैन्य पंजाब के ड्राइवर ने मेमो जारी करवाया भी एक लड़की ने किलोमीटर 121 के पास रेलगाड़ी के आगे सुसाइड कर लिया। सुसाइड का है या वैसे सर कोई ट्रैक पार कर रही थी? ना सुसाइड का, नाड़ रखी थी। अच्छा, गर्दन रखी हुई थी? हाँ जी। तो आपने क्या देखा मौके पर, क्या पाया? मौके पर वारसी ना इसकी माँ मौजूद थी और कॉलोनी की वासी थी, माँ मौजूद थी। अच्छा, तो सुसाइड का मामला? हाँ, सुसाइड का मामला। क्या नाम और पता है? दीपा, डॉटर ऑफ बाबूराम, गली नंबर 1 डया बस्ती शिव कॉलोनी करनाल रहने वाली है। तो आप सर शव को भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए? शव ग्राफ में रख दिया है। 174 CRPC कार्रवाई हमारे जा रही है। देखिए फिलहाल जो है पुलिस का कहना है कि ये सुसाइड का मामला है और शायद इस तरीके से देखा था। अंकल जी क्या हुआ था यहाँ पे, ये जो हादसा हुआ था क्या कुछ था? क्या हुआ था? ये रेलवे क्रॉस कर रही थी, पानीपत जाना था अपने मामा के पास, तो इसका बैलेंस बिगड़ गया, ठोकर लगी है या क्या हुआ क्या नहीं। उसका लड़का 8 साल का है, वो छत पे खड़ा था हमारी बस्ती रेलवे के बिल्कुल पास में, जो डे बस्ती से कॉलोनी गली नंबर 1 की, तो उसके ने बोला मेरी मम्मी का गिर गई, मर गई, हाँ मर गई, शादीशुदा थी। कितने बच्चे हैं उनके? एक लड़का है 8 साल का। 8 साल का जी। तो अब कहाँ जा रही थी? पानीपत जा रही थी अपने मामा के पास। तो इधर रेलवे स्टेशन की तरफ आ रही? हाँ जी, हमारा रेलवे बिल्कुल पास में पड़ता है स्टेशन। का कहना है कि सुसाइड किया उन्होंने, गर्दन रखी पटरी के ऊपर। देखो कोई कुछ भी कहता रहे लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ गया तो गर्दन के बल भी गिर सकती है, टांगों के कैसे भी गिर सकती है अगर बैलेंस बिगड़ गया उसमें। नहीं, अकेली थी सर। परिवार के अन्य सदस्य, फिलहाल आप देखिए परिवार है और उनका कहना है कि शायद जो है वो पानीपत जाने के लिए निकली थी। आप देखिए उनकी जो माँ है वो यहाँ पर बेटी है। क्या सवाल, कैसे हुआ? कोई आस्था नहीं, बस मेरे मामा के पास जा रही थी, मामा के पास लड़का मेरे पास चढ़ गई, मैं बोली धूमे मत लग जा बच्चे को, तो अकेली चली जा, गाड़ी का टाइम और तो पानीपत जाने वाले का, बोली मम्मी मैं इधर से टप जाती हूँ, चली जा, पता नहीं बहुत इधर से आई ना, पता नहीं बहुत ठोकर लगे गिरी, कैसे गिरी। उसका लड़का बिल्कुल ऊपर ही खड़े थे दोनों बच्चे, मेरे को बोला नानी दीपा मर गई, मैं कैसे मर गई, वो पड़ी लेन पे ही, बस ये बात हुई, मेरे को कुछ नहीं पता। पास में था घर आपका? बिल्कुल पास में ही है। तो कितनी उम्र है इसकी दीपा की? उसमें आधार कार्ड में लिखी हुआ है। शादीशुदा है ये? शादीशुदा है। एक ही बेटा इसका? 8वीं साल में उसका लड़का चल रहा है। 8वीं क्लास? 20 साल की होगी, 25 है, 20 या 25। देखिए फिलहाल कहीं ना कहीं जो भी हुआ लेकिन एक लड़की की जान चली। यही जानकारी मिली थी, ये डेया बस्ती शिव कॉलोनी गली नंबर 1 से लड़की पानीपत के लिए निकली थी अपने मामा के घर जाने के लिए, और अगर रिक्शा वगैरह में आता तो काफ़ी लंबा पड़ जाता है, ये 100-150 मीटर स्टेशन पड़ता है, इसीलिए सब पैदल ही आ जाते हैं, और आने के लिए अचानक ट्रेन आ गई, किस तरह गिरी, ठोकर लगी या क्या हुआ, तो यही सुनने में आया है। तो सर पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि सुसाइड है उन्होंने कर दिया? देखो जो लोग को पायलट ने, जो ट्रेन का पायलट था, उन्होंने क्या बताया पुलिस को वो तो ये जाने, बाकी ऐसे ऐसा कोई कुछ था नहीं भाई, सुसाइड वाला तो कुछ लग नहीं रहा था, सब ठीक ठाक, अच्छा परिवार है, अच्छे आदमी हैं सारे, कोई ऐसा तो मैं नहीं मानता भाई सुसाइड होगा, बाकी लोग को पायलट पुलिस जैसा भी कल्पना चावला में ऐसा भी कुछ हो सकता है कि वो गिर गए हो उसके बाद गर्दन। हाँ कुछ ऐसा ही हुआ, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो थी नहीं भाई, सुसाइड का तो पता लग ही जाता है, सारी बस्ती बैठी हुई है तो पता लग ही जाओ अगर सुसाइड का होता तो,
मेरे ख्याल से शायद सुसाइड नहीं। देखिए फिलहाल यही जानकारी सामने आ रही है कि शायद जो है वो क्रॉस कर रही थी और गिर जाती है, उनकी गर्दन पटरी के ऊपर आ जाती है और शायद जो सामने से ट्रेन आ रही थी उसके लोको पायलट ने ऐसा कुछ देखा हो कि गर्दन जो है वो पटरी के ऊपर थी और वो क्रॉस कर जाती है और तभी उस लड़की की मौत हो जाती है। तमाम उनकी बस्ती के लोग पहुँचे हुए हैं, हालाँकि आप समझिए कि ये आत्महत्या है या फिर हादसा, ये फिलहाल क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन उनकी जो माँ है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुँची और बहुत ज़्यादा रोती हुई भी ज़रूर दिखाई दे रही है। तमाम बस्ती की महिलाएं, बिल्कुल नज़दीक ये बस्ती लगती है, यहाँ से जो है कुछ 101 मीटर दूर है बस्ती शिव कॉलोनी के बाद जो है वो लगती है और यहाँ से अक्सर जो है लोग पैदल इस तरफ आते हैं। 2 किलोमीटर ही दूर है, देखिए 2 किलोमीटर दूर बताई जा रही है और यहाँ से जो है यहाँ पर जो है वो शायद पानीपत जाने के लिए निकली या फिर जिस तरीके से पुलिस ने या फिर जो लोको पायलट है, जो ट्रेन का चालक होता है, उन्होंने देखा कि उनकी गर्दन जो है वो पटरी के ऊपर थी और ट्रेन उसी वक्त क्रॉस कर जाती है। अब ये आत्महत्या है, सुसाइड है या फिर उस लड़की के साथ हादसा हो जाता है। एक बच्चा भी जो है उस लड़की का बताया जा रहा है, उम्र काफ़ी कम है और तमाम महिलाएँ आप देख सकते हैं कि करनाल के रेलवे पुलिस स्टेशन के बाहर जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को यहाँ से जो है लेकर जाया गया है और बताया जा रहा है बुरी तरीके से यह हादसा होता है। हरियाणा करनाल की ये तस्वीरें हैं, करनाल के रेलवे स्टेशन से आपको दिखा रहे हैं जहाँ एक लड़की की फिलहाल ट्रेन की कटने की वजह से मौत हो चुकी है और ये अभी जो है क्लियर नहीं हो रहा है कि ये आत्महत्या था या फिर हादसा उस लड़की के साथ होता है। अक्सर आपको हिदायत दी जाती है कि ट्रेन से दूर रहें क्योंकि अगर आपका ज़रा सा भी पैर या इम्बैलेंस होता है तो आप समझिए कितना बड़ा हादसा हो सकता है। मैं आरती से योगी अमन ग्रोवर के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़ पर आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद।